नमस्कार, ये सवाल है 4.4 हाथ के लग्गी से एक विश्वांशी, एक बिस्सा, एक बीघा कितना बड़ा प्लाट होगा और एक बीघा में कितना कनाल, कितना मारला, कितना हेक्टेयर, कितना एकड़ और कितना डिसमिल होता है। तो देख लीजिए, बहुत ही आसानी से कम समय में देख लीजिए, ये 4.4 हाथ को आप फुट में बदल लीजिए, इसके लिए 1.5 से गुणा कर दीजिए, फुट में बदल जाता है, ये 6.6 फुट होगा। ये देख लीजिए, इतना फुट लंबाई का लग्गी है, मापक है 6.6 फुट का, और विश्वांशी निकालना, निकालने के लिए एक विश्वांशी का मान देख लीजिए, एक विश्वांशी बराबर होता है एक गट्ठा वर्ग, लिख लीजिए गट्ठा का वर्ग या लग्गी का वर्ग, गट्ठा वर्ग यानी कि 6.6 ये गट्ठा है या लाठा कहिए, इसको जो है गट्ठा, लाठा और लग्गी कहा जाता है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 6.6 × 6.6 बराबर होगा 43.56 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट इतना। इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं एक विश्वांशी का मान। ये लग्गी जैसे, लग्गी ही है मान के चलिए, लग्गी सॉरी सॉरी धूर, एक धूर का मान जैसे निकालते हैं ना, सेम उसी तरह से विश्वांशी का मान निकाल सकते हैं। और एक बिस्सा बराबर ये 20 विश्वांशी होता है, तो एक विश्वांशी का मान 43.56 वर्ग फुट है, तो गुणा कर दीजिए 43.56। ध्यान रहे एक बिस्सा बराबर 20 विश्वांशी है, इसलिए 43.56 से गुणा हो रहा है, 20 × 43.56 बराबर होगा ये 871.2 वर्ग फुट, वर्ग फुट का प्लॉट, इतना बड़ा प्लॉट होता है। और इसका लंबाई चौड़ाई जानना चाहेंगे तो इस तरह से आप प्लॉट बना लीजिए, ये देखिए ऐसे एक बिस्सा लिख लीजिए, इसमें एक बिस्सा इस प्रकार से एक बिस्सा का प्लॉट है ये, इसको यानी कि आधा जरीब लेते हैं गंठरी जरीब से तो 33 फुट होगा, एक जरीब बराबर 66 फुट होता है, तो आधा जरीब इसका लंबाई ले लेते हैं 33 फुट, तो चौड़ाई होगा 26.4 फुट होगा इसका चौड़ाई। ये देख लीजिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम जानेंगे कि एक बीघा, तो यहां पर लिख लीजिए एक बीघा बराबर होगा 20 बिस्सा, यानी कि 20 × 871.2 बराबर, गुणा कर लीजिए ये 17,424 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट को प्लॉट है ये इस प्रकार से। और ये 17,424 वर्ग फुट, अब इस बीघा में कितना हेक्टेयर होगा, इसके लिए एक बीघा बराबर 17,424 बटे में कर दीजिए 1,08,900, तो हेक्टेयर निकल आता है ये 0.160 हेक्टेयर होगा, इतना हेक्टेयर का प्लॉट है आपका। एक बीघा का प्लॉट यदि आपका है तो आपके खतौनी में 0.160 हेक्टेयर होगा, इसको समझ लीजिएगा कि एक बीघा है। अब एक बीघा में कितना कनाल होगा, तो देख लीजिए एक बीघा बराबर 17,424 बटे 5,445, जानते हैं पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एक कनाल का मान दिया गया है, कैसे निकाले हैं इसे भी बताया हूं, तो ये 3.2 कनाल होगा, 3.2 कनाल। यदि जहां कनाल का उपयोग करते हैं
वहाँ समझ लीजिए कि 1 बीघा 17,424 है, तो कितना कनाल, तो 3.2 कनाल होगा। इस प्रकार से एक दूसरे स्थान, एक दूसरे क्षेत्र, एक दूसरे क्षेत्र के बारे में जो है जान सकते हैं। अब हम जानेंगे कि 1 बीघा में कितना मरला। देख लीजिए, 1 बीघा लिख लीजिए, 1 बीघा बराबर 17,424 कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए 272.25 से, एक मारला का मान 272.25 वर्ग फुट होता है, तो भाग कर देने पर 64 मारला होगा, 64 मारला। इस प्रकार से और भी जानना चाहेंगे कितना एकड़, तो देख लीजिए 1 बीघा में कितना एकड़, तो 1 बीघा बराबर 17,424 बटे में कर दीजिए 43,560, तो बराबर होगा ये 0.4 एकड़ प्लॉट। ये देख लीजिए 0.4 एकड़ होगा। और 1 एकड़ में कितना बीघा, तो देख लीजिए 1 एकड़ लिख लीजिए, 1 एकड़ बराबर 43,560 बटे में कर दीजिए 17,424, तो बराबर होगा 424 है, ये 2.5 बीघा होगा। ये देखिए 2.5 बीघा में 1 एकड़ होगा। और 1 बीघा में कितना डिसमिल, इसको भी देख लीजिए, 1 बीघा में कितना डिसमिल, तो 1 बीघा बराबर 17,424 बटे में कर दीजिए 435.6, बराबर होगा 40 डिसमिल। ये देखिए इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये रहा, ये देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।